हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स, जो कि इंडिया का उभरता हुआ चैनल है। जी हाँ दोस्तों, बज गया सुबह के साथ और आज है मंगलवार और आज हम क्लास लेने वाले हैं अंतिम युद्ध परसेंटेज पार्ट टू। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज का पार्ट टू मैंने क्लास ले रखा है। जिन भी स्टूडेंट ने वो पार्ट नहीं देखा है ना, प्लेलिस्ट में वीडियो है अंतिम युद्ध करके ना, वो जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी और विश्वास दोनों एक साथ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और डेली ये क्लास मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे क्लास मैथ की चलती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है 12 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया था, 12वें नंबर तक का क्वेश्चन होमवर्क था। और आज हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, चलिए। कह रहा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन में जो है धांसू ट्रिक लगने वाला है। कौन सा ट्रिक? धांसू ट्रिक लगने वाला है। और सिर्फ जो है धांसू ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तरह एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, माना 100% मतदाता थे। कितने दोस्तों थे? 100% मतदाता थे। अब 100% मतदाता थे जिसमें से कह रहा 8% ने मत नहीं डाला। ठीक है ना, 8% ने मत क्या हुआ, नॉट यूज, यानी कि यूज नहीं किया। तो कितने परसेंट लोगों ने डाला? 92% लोगों ने मत डाला। दोस्तों 100% मतदाता थे, 8% ने मत नहीं डाला, तो कितने परसेंट लोगों ने मत का यूज किया? 92%, 92% में। ठीक है ना, अब ये कह रहा है विजेता को कुल वोट के 50% वोट मिले। जो यहाँ पे विनर था ना, जो विनर था और एक था लूजर, ठीक है ना, यानी कि हारने वाला। तो कह रहा है जो विनर था उसको 50% वोट मिला। ठीक है ना, अब यहाँ एक बात बताइए, टोटल 92% वोट था, माना टोटल 92 वोट था। ठीक है ना, 92 ही मान लीजिए, परसेंट हटेगा क्योंकि सब में हट जाएगा। तो 92 वोट था जिसमें से अगर 50 ये वोट पा गया तो इसको कितना मिला दोस्तों? 42 वोट मिला। यार 92 वोट था, अगर 50 वोट विनर पा जाता है तो 2, 9 में से 5 गया 4, तभी तो 42 वोट विनर को मिला। अब ये कह रहा है जो इसके बीच का दोस्तों डिफरेंस है ना, वो कह रहा है तथा उसने 1200 मतों से विजय प्राप्त की। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये 8 का है, कर 8 का नहीं है, ये 1200 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? 1200 का। दोस्तों यहाँ जब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये 50 पाई या 42, तो 8 वोटों से जीता है ना, तो कह रहा 8 वोटों से नहीं जीता, 1200 वोटों से। तो कितना वैल्यू है? 1200/8, 1 का वैल्यू कितना हो गया? 1200/8 हो गया। तो कह रहा हमें 100% का वैल्यू निकालना है। कह रहा है चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता थे? 100% मतदाता थे ना, तो 100 का इधर गुणा करा देंगे और 100 का गुणा इधर करा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 × 2 = 8, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्वेश्चन थोड़ा कट जाएगा। तो अगर दोस्तों 8 का वैल्यू 1200 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200/8। कुल कितने मतदाता थे? 100%, यानी कि 100 का इधर भी गुणा करना है और 100 का इधर भी गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 4 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 25, 2 से काटेंगे 600 आ जाएगा और 25 का हो जाएगा 150, यानी कि 1,00,000 जो है 50,000 टोटल मतदाता थे। और यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों, यही हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के क्वेश्चन में जो है ना 1,50,000 दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर है। और आज के क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन नहीं है, क्या है? ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर बताने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन 14। कॉपी पेन लेकर आप सभी लोग बैठा करिए, ठीक है ना, बगैर कॉपी पेन लेकर बैठने से ना मजा नहीं आता है, आता नहीं है मजा जीने में, और जब तक आग ना लगी हो सीने में। ठीक है, कैसी आग लगाना है, जॉब पाना या कोई और जो है आग लगानी है, ये तो आप ही लोग जानिए। चलिए क्वेश्चन 14, अगर दोस्तों जॉब पा गए, सिलेक्शन ले लिए, तो दुनिया की सारी चीजें आप सभी के हाथ में आ जाएंगी, कोई भी चीज हो, एनीवन, जो भी आप सोच रहे हो सारी चीज आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप जॉब नहीं लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन 14 कह रहा है एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये है। ठीक है ना, कोई मशीन है जिसका मूल्य 6,250 रुपये है। अब कह रहा पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन इसका ट्रिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, मजा ना आए तो फिर कहिएगा। ठीक है ना, पहले ध्यान से देखिए दोनों मेथड को। एक मशीन का मूल्य 6,250 है, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, ये सब घट ही रहा है,
10% का वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, यानी 10 था, 1 घट गया तो कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, ठीक है। दूसरे वर्ष कह रहा 20% घट रहा है, तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है, यानी कि 5 था 1 कम हो गया तो 4 हो गया। फिर और अंतिम में कह रहा 30%, 30% का वैल्यू कितना, 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 10 था 3 घट गया तो 7 हो गया। कह रहा मशीन का जो शुरू में मूल्य था वो 6,250 था, कुछ कट रहा तो काट दिया, नहीं कटेगा, 10/50 दही 500, इधर 728 किसी से कटेगा क्या, नहीं, 2 से कट जाएगा, जो कट रहा है दोस्तों तो काट दीजिए ना, 10 2 5 10, 2 2 4, इधर कितना बचा, 10 5 50 5 5 25, 250 आ गया, इधर 7 2 14 14 9 9 4 36 86 3 3 1 126 आ गया दोस्तों। इधर गुणा करेंगे 10 5 50 5 250, ठीक है, इधर 9 2 18 7 126। अब कह रहा है जो शुरू में मूल्य था वो 250 नहीं था, कितना था दोस्तों, 6,250 है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में इतना, जिसे अभी इसको हम काटते हैं तब भी तो सिचुएशन हुई आ रहा है, 10 5 50 पर 250, कर 250 यहाँ नहीं है, कितना है, 6,250 है। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, चलिए इसको हम दूसरे मेथड से लगा देते हैं, 6,250 है ना, पहले इसका मूल्य दोस्तों 6,250 था, अब कह रहा है पहले वर्ष इसका मूल्य 10% कम होता, 100 था, 10% कम हुआ तो 90/100 हो गया, ठीक है, और दूसरे में 20% कम हुआ यानी कि 80/100 हो गया, और तीसरे में 30% यानी कि 70/100 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्टली आ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर करेक्टली आ जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ए जीरो इससे कैंसिल, ए जीरो इससे कैंसिल, ये 2 0 खत्म हो गया, यहाँ 2 0 जो है, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, ये कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो कितना बचा, 625 × 9 × 8 × 7/100, दोस्तों जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो 3150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3150 आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा जो शुरू वाला मेथड था ना, ध्यान से देखिएगा, पहले 10 से 9 हुआ, फिर 5 से 4 हुआ, फिर 10 से 7 हुआ, इधर 10 5 50 50 500 हुआ, इधर 7 4 28 28 9 9 8 72 को तो हासिल 7, 9 2 18 18 7 18 और 7 25, 252, ये 252 है, ठीक है दोस्तों। अब यहां देख लेते हैं, अब ये कह रहा है 500 शुरू का मूल्य नहीं था, शुरू में दोस्तों कितना मूल्य था, ये कैसे आया, शुरू में ही मैंने बता रखा है, ये शुरू में जो मूल्य था वो 5 नहीं था, कितना था दोस्तों, 6250 था, ठीक है, यह 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 50 का वैल्यू आ गया 625, कितना आ गया, 625, तो दोस्तों 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 625, ये 50 इसके नीचे आ जाएगा, हमें 252 का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर भी 252 कर देंगे और यहाँ पर भी 252 कर देंगे, तो 252 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका गुणा करके 50 से भाग देंगे तो 3150 आ जाएगा, इतना काम आप कर सकते हैं यार, इतना काम कर सकते हो, ठीक है ना, और नहीं आएगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये करने पर नहीं आया, उसको मैं कल सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14-15, चूंकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी में भी कराना और समझ में भी आना चाहिए, ठीक है ना, ये ज्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन 15 कह रहा, चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है, ठीक है ना, चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है, और एक आदमी क्या करता है, पहले 160 किलोग्राम चावल खरीदता था, तो अब उसी रुपए में कितने चावल खरीदेगा दोस्तों। जब चावल का मूल्य कम होगा तो सिंपल सी बात है, पहले जितना खरीदता था उससे अब ज्यादा ही खरीदेगा, ये तो यार सबको पता है, तो ध्यान से देखिएगा, जो इसका प्राइस था ना, पहले जो है 20% कम हो जाता है, 20% का वैल्यू कितना होता है, 20/100, 20 से कम 20, 20/100, यानी कि पहले 5 था, कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, ध्यान से समझिएगा। तो जो इसका इसका जो क्वांटिटी का रेशियो होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जो मूल्य का होता है और जो क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसको पलट देते हैं, ये हो जाएगा 4:5, ध्यान से समझिएगा।
अगर प्राइस का रेशियो ये है तो क्वांटिटी का रेशियो 4:5 हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये शुरू का जो है ना ये बाद का है, कह रहा शुरू में 4 किलोग्राम खरीदता था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा शुरू में दोस्तों पहले 160 किलोग्राम खरीदता था, 4 नहीं खरीदता था, 160 किलोग्राम खरीदता था, अर्थात जो 4 का वैल्यू है वह 160 है। कितना गुना दिखे, 40 गुना दिखे, कितना गुना दिखा दिया, 40 गुना दिखा। कैसे पता चला, हमने जो है 4 से 160 में डिवाइड कर दिया, तो ये अगर 40 गुना है तो यार यह भी तो 40 गुना हो जाएगा, 40 × 5 = 200। अब कितना दोस्तों खरीदता है, 200 खरीदता, बस इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को ना हवा में उड़ाइए, कैसे उड़ाइए दोस्तों, हवा में उड़ाइए तो ही जाकर मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों आप सभी लोग डेली 7 बजे लाइव क्लास में जरूर आया करिए। क्वेश्चन 16, इंक थोड़ा सा भर दें, कुछ कम लग रहा है। दोस्तों और बताइए आप सभी कैसे हैं, ठीक है ना, बस 1-30 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ज्यादा समय नुकसान हो, ठीक है। और दोस्तों जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लिया ना, मॉक टेस्ट आप लोग कॉल करके ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। 2 मॉक टेस्ट हो चुका है, 3रे मॉक टेस्ट का जो है चैप्टर बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए हो गया, ज्यादा नहीं यूज करता हूँ दोस्तों, ऐसा ऐसा करके 5-6 दिन ये इंक चलता, ज्यादा नहीं चलता है। और ये छोटा सा जो इंक देख रहे हैं आप ना, ये 30 के आसपास का था, 30-35 का। अब आपके यहाँ कितने का मिलता मुझे नहीं पता है, एक सेकंड इसको बंद कर दे। चलिए दोस्तों बंद कर देते, बाद में ये मिल ही नहीं रहा, इसका कहाँ रख दिया यार। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। क्वेश्चन 16, अब देखिए थोड़ा सा फास्ट चलेगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर, एक आदमी क्या करता है, अपनी मासिक आय का जो 40% है दोस्तों वो भोजन पर खर्च कर देता है, ठीक है ना, तथा शेष का 1/2 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 रुपए की बचत करता है तब उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें इस तरह के क्वेश्चंस में ना हमेशा 100 का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, अर्थात मासिक आय मतलब 100 का वैल्यू ज्ञात करना होता है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा मासिक आय का 40% भाग भोजन पर, फूड पर कितना खर्च करता है दोस्तों, 40% भाग भोजन पर खर्च करता है, ठीक है ना, फूड अर्थात भोजन पे 40% भाग, और बचा कितना दोस्तों, अगर 60% भोजन पर खर्च कर दिया 40% तो बचा 60% ना, यही तो बचा। अब कह रहा है तथा शेष का 1/2 भाग यातायात पर, तो दोस्तों यातायात पर वो कितना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, यातायात पर कितना खर्च करता है, कह रहा 60% जितना बचा दोस्तों उसका आधा भाग, तो 60% बचा है तो 60% कितना, 60 × 1/2 यानी कि 30% किस पर खर्च करता है, यातायात पर। और कह रहा है और वह 9,000 रुपए की बचत भी कर लेता है, कितने की बचत कर लेता है दोस्तों, एक सेकेंड, कितने की, देखिए भोजन पे 40% हमें माना उसकी मासिक आय 100 थी, ठीक है ना, मासिक आय 100 थी, भोजन पे 40% खर्च किया तो बचा उसके पास 60%, कह रहा जितना बचा था उसका आधा यातायात पर खर्च कर दिया, तो 60% 30% उसने यातायात पर खर्च कर दिया, ठीक है ना, टोटल खर्च कितना किया, 40 भोजन पे 30 यातायात पे, 70 खर्च कर दिया ना, तो बचा कितना, 100 में से 70 गया 30, और इसी 30 का वैल्यू दे रखा दोस्तों, कह रहा अंतिम उसके पास 30% नहीं बचता है, अंतिम उसके पास 9,000 रुपए बचते हैं, कितने रुपए, 9,000 रुपए बचते हैं, तो यहाँ 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9,000, यहाँ पे 30 × दोस्तों जो भी यहाँ रहता है ना ये इसके नीचे आ जाता है, ठीक है ना, और हमें 1% का वैल्यू निकल गया है, 100% का वैल्यू निकालना है ना, तो 1 के बाद 2 0 यहाँ बढ़ा दीजिए और 100 से दोस्तों यहाँ पे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 3 हो गया, और यहाँ 100 का वैल्यू हो जाएगा, 3,000 के 10 में गुणा करेंगे 30,000 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30,000 दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ आता हूँ मैं दोस्तों। आप सभी लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और सुबह 7 बजे जो है आप लोग आ जाया करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ गए, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो आय होता है पहले इसको समझ लीजिए, आय होता है यहाँ पे
खर्च प्लस बचत, ठीक है ना। आय को बोलते हैं इनकम, इनकम इज इक्वल टू खर्च को एक्सपेंडिचर, आप लोग पूरा कर ले प्लस सेविंग। ये फार्मूला आप लोग एक्सपेंडिटर आगे रहेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कह देते हैं सर इंग्लिश ही इनको नहीं आता है, तो वो सब यार कमेंट करते हैं ना, तो फिर यार इतना मेहनत से क्लास लीजिए, और जब एक बच्चे कहे अरे यार तू क्या पढ़ाता है, गाली भी कई लोग दे देते हैं, तो उस टाइम ना मन नहीं करता यार पढ़ाया जाए यूट्यूब पर। इसीलिए ना सारे टीचर्स इसीलिए पेड वैस करते हैं, जो पैसा देकर पढ़ते हैं ना वो ये सब कार्य नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। यही रीजन रहता है, कोई दूसरी रीजन नहीं रहती है, पैसा तो कमाना ही है, कोई बात नहीं यार। शुरू शुरू में यार सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गाली वगैरह सब सुनना पड़ता है, ऐसा ये लाइन है, ठीक है। और पता नहीं बच्चे शुरू में अपने टीचर से क्या पढ़े हुए हैं, और सभी टीचर कहते हैं अपने से बड़ों का सम्मान करो, ठीक है ना यार, नहीं पढ़ने का डिसलाइक कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाली वाली तो मत दिया करो यार। देखिए आय होता है खर्च प्लस बचत, यानी कि जो इनकम का फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ध्यान से आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, और इस पर जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। पहले आय दोस्तों हमने माना 100 था, कितना माना 100 था, कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, 60% दोस्तों खर्च करेगा तो बचेगा कितना, बचेगा उसका 40। ध्यान से समझिएगा, अगर उसने दोस्तों 100 वो कमाता था, 60 उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा, 40 ही तो बचा, और क्या बचा। आगे कह रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय 100 थी अब 20 बढ़ गई तो 120 हो गई, ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, सॉरी उसके लिए। देखिए कह रहा पहले उसकी जो आय थी दोस्तों ना वो 100 थी, अगर उसने 60 खर्च कर दिया तो बचा है कितना, 40 बचा है, लेकिन कह रहा आय में 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 100 था, जब 20 बढ़ेगा तो 100 में 20 जोड़ दीजिए 120 हो जाएगा। तो जब आय में 120 हुई तो कह रहा उसके खर्च भी 10% बढ़ जाते हैं, एक्सपेंडिचर 60 था, अब उसका भी 10% बढ़ा, तो इसी में 10 जोड़ मत लेना यार, 60 का 10% निकाल लेना, ठीक है, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 6 करने में 6, यानी कि जो उसका खर्च था वह भी कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, पहले 60 था और 6 और बढ़ गया, तो कितना हो गया दोस्तों, 66 हो गया। अब एक बात बताइए, 120 रुपया कोई कमा रहा है, 66 रुपया खर्च कर दिया, तो उसका बचत कितना हुआ, 120 में 66 घटा दीजिए, 10 में 6 गया 4 और 11 में से 6 गया दोस्तों 5, कितना हो गया 54 रुपया, कितना हो गया 54। ये चीज आप समझ गए ना, कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कह रहा है उसको उसकी जो बचत है ना वह कितने परसेंट बढ़ी, पहले वह 40 बचत करता था, अब कितना बचत कर रहा है, 54, कितना ज्यादा कर रहा है, 14 कर रहा है ना, किस पे तुलना कर रहे हैं, हम इससे कर रहे हैं तो 14/40 गुणे 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 ये 0 इसे कैंसिल, 2 × 4 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 10, 7 × 5 = 35%, 35% हमारा दोस्तों हो गया करेक्ट आंसर। ये मिश्रण इरिगेशन से भी यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आ जाएगा। तो ये लेकिन ये बेसिक मेथड ना आपको पता होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि इस पर क्वेश्चन दोस्तों बनता ही बनता है, और अगर आप इस पर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी काफी वीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है। ध्यान से देखिएगा, कोई विद्यार्थी है वह एक परीक्षा में कितना परसेंट दोस्तों, 32% अंक प्राप्त करता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है तथा 48 अंकों से पास हो जाता है, ठीक है। परीक्षा पास करने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी फेल होगा कोई भी व्यक्ति ना, तो उसमें आपको प्लस करना रहेगा, जब पास होगा तो उसको पासिंग मार्क से अधिक पाएगा तो उसको माइनस करना रहेगा, क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन होता है ना दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तथा 32 अंक से फेल हो जाता है, फेल होगा 32, तो 32 अगर ये पास होता दोस्तों, 32 पास जाता तो ये पास हो जाता, इसलिए हमने 32 जोड़ दिया, ठीक है ना। और दूसरा विद्यार्थी 48% पाता और पासिंग मार्क से दोस्तों 48 अंक ज्यादा पा जाता है, इसलिए ज्यादा पा रहा है ना तो हमें इसको घटाना पड़ेगा, शुरू में ही बता दिया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 32 है ये -42, 8 इधर आकर +48, ये 48% है, ये +32 उधर जाकर -32% हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 8 और 2 मिलकर 10 और 4 × 3 = 7 और ये 80 हो गया, यहाँ पे सब करके 8 में से 2 = 6 और 4 में 1 = 16%, 16% का जो वैल्यू है दोस्तों वो 80 है, तो यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 80, 1% का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया, ठीक है। कह रहा है
रहा है परीक्षा पास करने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। दोस्तों यहाँ पे परीक्षा पास करने के लिए इसमें हमें जो है वैल्यू रखना पड़ेगा। अब ये पूछता कि टोटल मार्क कितने के थे, तो 100 का गुणा करा देते, 100 का गुणा करते 100% बराबर 500 जाता, यानी कि टोटल मार्क दोस्तों कितने चाहिए थे 500। लेकिन यहाँ पे आपको चाहिए पासिंग मार्क, तो 32% में 32 रख लीजिएगा। दोस्तों लाइव भाग एक लाख मतलब कुछ दिखाई दे रहा, इसको कंप्लीट करा दे, नहीं दिखाई दे रहा, हल्का सा भी नहीं दिख रहा है। चलिए अब ये शायद कैमरा भी इसका ऑन नहीं होगा, जो लाइटिंग वाला है नहीं ऑन होगा। चलिए दोस्तों इसको आगे हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाइट जाने के बाद दिक्कत हो गई, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जब यहाँ तक हमने कर लिया दोस्तों, यानी कि जो 1% का वैल्यू आ गया है वो 5 आ गया है, 1% का वैल्यू 5 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 100% के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 100 का गुणा करेंगे, 100% का वैल्यू दोस्तों 500 हो गया, यानी कि जो टोटल मार्क्स दोस्तों वो 500 थे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा टोटल मार्क कितने थे, उसने ये पूछा पास होने के लिए कितना चाहिए। तो चाहे आप वैल्यू इसमें रखिए, चाहे आप वैल्यू इसमें रखिए, तो पास होने के लिए पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पर 1% का वैल्यू दोस्तों 5 था, ठीक है ना, हमें चूंकि 32% का वैल्यू निकाला, तो यहाँ पर भी 32 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 32 का, तो 32% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 10 5 × 15 = 116, 32% का वैल्यू 116 हो गया। चूंकि ये 32 अंकों से वो फॉल फेल हो जाता है, 32 उसको और मिल जाता तो पास हो जाता, 160 में 32 जोड़ देंगे, 192 अंक चाहिए था पास होने के लिए। कितना अंक पास होने के लिए चाहिए था दोस्तों, 192 अंक चाहिए था पास होने के लिए, समझ गया ना, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1000 है, 10000 है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है 10000 है, ठीक है। फिर कह रहा है पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, तो 100 से माना, शुरू में 100 माना जाता है, 100 से 110 बढ़ जाती है, तो 110/100। फिर दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, तो 80/100 हो जाएगा। फिर कह रहा है तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो 130/100। इस मेथड से करेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लग जाता है और इजी रहता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 बचा, गुड़े 11 गुड़े 8 गुड़े 13, इसी का अगर हम गुणा कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं सबका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 11 × 110 और 13 × 104 गुणा करने का हमारा 1144 हमारा दोस्तों क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए जब बढ़ाया है तो हमने 100 से 110 कर दिया, 20% घटाया है तो 100 में से 20 कर दिया, 80 हो गया, फिर 30% बढ़ाया तो 100 में 30 जोड़ दिया, 130 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन करने पर ना गलत नहीं होते हैं, ठीक है, ये तरीका बहुत ही शानदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, दो व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, दो व्यक्ति चुनाव में टोटल हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना, 30% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं, टोटल हमारे पास 100 थे वो, ठीक है ना, टोटल कितने वोट थे 100, 30% अमान्य घोषित किया गया, तो दोस्तों 70% पर वोटिंग हो रही है, ठीक है, 100% थे, 30% अमान्य घोषित किया, 70% वोटिंग हो रही। फिर कह रहा है तथा जीतने वाला व्यक्ति मान्य मतों का 60%, 70% था तो दोस्तों जीतने वाला जो है 70 का 60% पाता है, तो कितना हो जाएगा, 70 × 60/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 6 = 42, जीतने वाला दोस्तों 42 वोट पाता है यहाँ पे, और हारने वाला कितना, और ध्यान से देखिए एक बात, 70% वोट थे, जीतने वाला कितना वोट पा गया दोस्तों 60%, तो हारने वाला 40% पाया होगा ना, तो 70 का 40 × 70 × 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 7 × 4 = 28, 28 वोट कौन पाया, हारने वाला। दोस्तों यहाँ दोनों का डिफरेंस देखिए 12 में से 4 जाएगा 4। अब यहाँ पे देखते हैं 42 12 में से 8 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि जो 14 वोट ज्यादा पा रहा, लेकिन जो क्वेश्चन में कर रहा है 14 वोट ज्यादा नहीं पा रहा, 2828 वोट ज्यादा पा रहा, कितना गुना दोस्तों 202 गुना दिख है, कितना गुना दिख है 202 गुना दिख है,
यार 14 सीट से भाग 14 दूनी 28, फिर 0 14 दूनी 28 आता है, जो कुल मत आता है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या दोस्तों 100 नहीं मानकर 202 मान लेते हैं, और जब 202 में 100 का गुणा करेंगे 202 00, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 20 तक का क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ, और कल टफ क्वेश्चंस करने वाले सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट लेवल का एनबीए, थोड़ा कल जो क्वेश्चन रहेगा ना वो थोड़ा नहीं ज्यादा टफ रहेगा, और देखेंगे कल चाहेंगे कि थोड़ा सा क्लास को लंबा खींचा जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए वीडियो को एंड करते, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।